हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक मंथली रीडिंग होने वाली है जिसका टॉपिक है वृषभ राशि, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल माह में क्या पॉसिबिलिटीज है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहती है वो हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि यानी कि टॉरस के लिए अप्रैल माह में क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देखने वाले हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सबसे मैच नहीं हो सकती लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, तो प्लीज देखिए जरूर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले हम जनरल लाइफ, करियर लाइफ ये देखेंगे और उसके बाद देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी निकालूंगी। टॉरस वृषभ राशि के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं अप्रैल माह में। ओके, फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। ओके गाइज, तो फर्स्ट 10 डेज में गाइज आपके क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो बताने वाली हूँ। तो मैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 10 डेज कैसे रहेंगे, तो गाइज यहाँ पे आप अपनी अलोन रहेंगे, आपका फोकस अपने पेंटिकल्स पे रहेगा, यानी कि आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, ये 10 डेज आपके उसी में जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चिंताएं सताएगी क्योंकि अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी मनी प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ी चिंताएं सताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैनेज करते हुए दिखते हैं। यानी कि डेथ का कार्ड यहाँ पे आए, 10 डेज में आपका कुछ ऐसा है कि कुछ जो पास्ट में हुआ था उसको छोड़ के आप में इनर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जो कुछ आप खर्च करना चाहते हैं या जो कुछ नया कुछ करना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। डेफिनेटली आप मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो एंजाइटी आपको मनी को लेकर थी वो दूर होते नज़र आ रही है, क्योंकि ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन आप में एक बदलाव, एक चेंज लाएगा जो कि ना सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए सही रहेगा बल्कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आपको मनी मैनेजमेंट करते हुए या फिर अपनी फाइनेंस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है। ओके, तो फर्स्ट 10 डेज में आपका कुछ मनी को लेकर आपको चिंताएँ हो सकती है, पास्ट में जो जो भी आपको जॉब की चिंता है या फिर अपनी करियर को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होती नज़र आ रही है। चलिए मिडिल 10 डेज की एनर्जी देखते हैं। मिडिल 10 डेज में क्या होता है, मिडिल 10 डेज की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिक, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थोड़ा शिफ्ट करना चाहूंगी। 3 ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। ओके, मिडिल 10 डेज कैसे रहेंगे गाइज। मिडिल 10 डेज में आप कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन ये प्लानिंग आपके जॉब की हो सकती है, आपके करियर की हो सकती है, या फिर आप क्लियर कट किसी भी बात को लेके जो चिंता आप में थी या अंदर ही अंदर आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे थे उसको क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है। यानी कि आपके थॉट्स ही बता रहे हैं कि आप जिस बात के लिए चिंतित थे, वो किसी भी कुछ भी मैटर में हो सकती है वो चिंता, तो वो चिंता आपकी बहुत प्लानिंग से दूर होती नज़र आ रही है। यानी कि आप एक बहुत समझदारी से उसको हैंडल करने वाले, जो भी चीज़ आपकी दुनिया में, ज़िंदगी में चल रही है, जनरल लाइफ को लेके, जॉब को लेके, करियर के लेके, जो भी चिंता है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, मनी को कैसे मैनेज करें वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चिंता दूर होती नज़र आ रही है और वो भी आपके थॉट से, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट बहुत, जैसे कि अर्थ टॉरस एक अर्थ एनर्जी की एनर्जी होती है, तो एक अर्थ एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड होती है, वो किसी भी चीज़ को मैनेज करना या स्टेबल करना उनको बहुत बखूबी आता है। तो आप अपने मनी को लेकर जो चिंताएं आप में थी वो स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, मनी प्रॉब्लम्स खत्म होती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं जो एंजाइटी आपको थी वो दूर होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको शायद कोई ऑफर आया था उसका रिजल्ट देखना है, या फिर जो आपने डिसीजन लिया है उसका डिसीजन, उस डिसीजन का इंतजार है आपको कि उसके डिसीजन जो आपने लिया है उसका रिजल्ट क्या होगा। ऐसा लगता है मुझे आपकी मिडिल मंथ में आपकी कहीं यात्रा भी हो सकती है। वेंट्स की कार्ड है, थ्री ऑफ वेंट्स किसी का इंतजार कर रहे हैं आप। हो सकता है आपकी बिजनेस ट्रिप हो सकती है, हो सकता है आपको जॉब या किसी का ऑफर आने वाला है उसका इंतजार है, या फिर अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए जो आपने किया है या जो आपके विचार हैं उसका जो डिसीजन आने वाला है उसका उसका वेट करें। कहीं ना कहीं आपका वे जो वेट है बहुत ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कार्ड जो है
बहुत पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज़ का इंतजार आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, फाइनेंस को लेकर हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ को लेकर हो सकता है, या फिर आपके थॉट्स जिस जो चल रहे हैं उसका डिसीजन आपको देखने को मिलेगा और वो बहुत पॉजिटिव होगा। अगेन द डेविल एनर्जी ये कहती है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक आप में जरूर है, यानी कि कुछ लत है आपकी जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगेन ये टॉक्सिक जो नेचर वाली बातें होती है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक आपने, एक्चुअली मैं कहना ही चाह रही हूँ कि आपको जो डेविल एनर्जी होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कुछ लत होती है इंसान को, बहुत सारी लतें होती है, थाउजेंड जिनकी गिनती बहुत कम की जा सकती है। तो ये जो लत होती है वो किसी न किसी को किसी भी रूप में हो सकती है, किसी को चाय पीने की लत होती है, किसी को स्मोकिंग की लत होती है, किसी को ड्रिंक करने की होती है। तो ये लत आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी मिडिल 10 डेज में। डेफिनेटली जो आपका जो वेट है वो शायद बढ़ सकता है, आपका जो किसी भी चीज़ का जो आप वेट कर रहे हैं वो बढ़ सकता है इस टॉक्सिक नेचर को लेके। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और अपनी जो लत है उसको थोड़ा साइड में रखिए, आपको एडवाइस यही है। क्योंकि जो डेविल एनर्जी होती है उसमें पावर होती है कि अपनी जो टॉक्सिक नेचर को वो खुद कंट्रोल कर सकता है, और वैसे भी अर्थ एनर्जी बहुत ग्राउंडेड होती है, वो अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, कैसे मैनेज करना है बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए लास्ट 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं। बहुत सारे आगे गए सामने लेंगे। टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में देखिए 7 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल आपका माइंड बहुत कंफ्यूज रहेगा, हालांकि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई ऑफर आपके पास आया तो उसमें किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, कोई पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है। अगर या जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें भी किसी की अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, या फिर अपना अपनी स्किल्स को किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई दोस्त आपकी हेल्प करे, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है टू ऑफ कप्स की, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो किसी की सहायता से पाएंगे, इस कार्ड का मतलब ये है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज। अगर कुछ जॉब का ऑफर आए तो आप ले सकते हैं, उसमें आपकी कोई हेल्प करेगा। अगर आपको फाइनेंस बढ़ानी है, बिजनेस में कुछ शुरू करना है, तो उसमें भी आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छा फायदा दे सकती है आपको। अगेन आप 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, यानी कि आपको किसी चीज़ का पछतावा है कि कुछ आपने खो दिया है। हो सकता है डेविल एनर्जी की एनर्जी हो, यानी कि इस चीज़ से आप खफा हैं, या कुछ आपने जो काम बहुत जल्द होने थे वो थोड़ा लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं काम में, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन आपकी जो टू ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है पैसों को लेकर। आपको लगता है कि आपका जो मनी मैनेजमेंट वो कहाँ कैसे सॉल्व हो, दो राह पर खड़े हैं आप, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ मनी को बचाया जाए, इस कश्मकश में लगे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है आपकी पूरे मंथ में रहेगी, हालांकि आप मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी आपको मनी प्रॉब्लम्स, उसको मैनेज कैसे करने हैं, वो चीज़ें आपको परेशान करेगी। अगेन इसका, इस कार्ड का दूसरा मतलब ये होता है गाइस, यहाँ पे आपके पास दो ऑफर हैं या दो चॉइसेस हैं, उनमें से आपको चुनना है, और आप इसी डिसीजन से बहुत कुछ थोड़े सैड लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट में आपको ऑफर मिले जो कि आपने शायद तो आपके पास नहीं आए, उनका रीज़न सोच के आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पछतावा आपको हो रहा है कि जो आपको पहले ऑफर मिले थे वैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, इसलिए आप बहुत जांच परख के कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं। इस कार्ड का मतलब ये होता है जो भी आपके पास ऑफर आया है उसमें आप जगलिंग कर रहे हैं, दो ऑफर हैं आपके पास, दो चॉइसेस हैं आपके पास, फाइनेंस को लेके, जॉब को लेके, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसे कन्फ्यूजन में अगर आप डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि एडवाइस कार्ड यही है आपके लिए कि आप थोड़ा रुकें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसीजन जल्दी ना लें, थोड़ा सोचें समझें, और जब आपका माइंड स्थिर हो तब आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगेन देखिए नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, अगेन आपको जो क्लियरिटी मिलेगी बातों की, या जो भी जॉब को लेना है, फाइनेंस को बढ़ाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसकी क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाएगी और आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। अगेन देखिए आप फूल की एनर्जी इसके बाद है जो कि बता रही है कि आप रिस्क जरूर लेंगे। तो गाइज ओवरऑल जो आपकी रीडिंग है बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं किसी जॉब का, करियर के बारे में जो भी डिसीजन लेंगे, वो आपके डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे। वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था तो आप में जो बदलाव आ रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे।
तो गाइज ये थी जनरल रीडिंग, अब चलते हैं हम आपकी लव लाइफ यानी पर्सनल लाइफ के बारे में, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। मैं शफल कर लेती हूँ, आप अपनी स्टडी को याद कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताने वाली है, ये सब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में यानी कि पर्सनल लाइफ में। आप मैरिड हैं अनमैरिड कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल है फीमेल है सबके लिए ओपन है। चलिए देखते हैं, वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लव लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ। पहला ही कार्ड हैप्पी फैमिली का आ गया गाइस, और आगे मैं क्या बोलूँ आपसे। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली को बताता है, अगेन फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है। ओके द वर्ल्ड वाओ, मेजर आर्कान है 9 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन आपकी जनरल लाइफ में भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आया था एंड पर्सनल लाइफ भी 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ओके तो गाइज यहाँ पे आपको फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, बाल बच्चों के साथ। फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी मैं बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आपने पास्ट में झेला है उसको खत्म करके एक नया साइकिल शुरू किया जाए अपने पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी बहुत अच्छी अपने परिवार से और कहीं ना कहीं यात्रा हो सकती है अपने परिवार को लेके, कहीं आप घूमने जा सकते हैं, डेट पे अपने परिवार को लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। वीकेंड हो तो वीकेंड पे जा सकते हैं, 1-2 दिन के लिए घूमने जरूर जा सकते हैं, ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है। लेकिन कुछ ना कुछ आपको मन में कुछ पास चीज़ों को लेके थोड़ा सा एंजाइटी आपको फील होगी, ये आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कुछ बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी और कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, लेकिन ये जो है आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। आप देखते हैं आपके मिडिल 10 डेज कैसे रहेंगे। अगर आपके लव लाइफ को देखा जाए तो आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं ना कहीं उनका साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं उनके पास उनके साथ डेट भी जा सकते हैं आप। चलिए और मिडिल 10 डेज देखते हैं कैसे जाएंगे। मिडिल 10 डेज के अंदर बताइए स्पिरिट सुनिए। ओके पर्सनल लाइफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स उसमें भी आया था, अगेन आ गया। ओके चैरियट, ओके गाइज यहाँ तो मिडिल 10 डेज की एनर्जी बहुत अच्छी है गाइज। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जो पास्ट इश्यूज हैं आपके, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो मुझे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ आपने की है पास्ट में जिसका आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, और उससे सबक लेके आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपनी फैमिली में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और कुछ आप अपने पार्टनर को देना भी चाहते हैं, गिफ्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप पहली जो बातें हुई है उससे सबक ले चुके हैं, आप पछतावा आपको हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे आपको कुछ सबक मिला है और आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ उनको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर लव लाइफ को देखें तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिनके साथ आपने इक्वल गिव एंड टेक किया था उनको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो भी है उसको आप अपनी लाइफ से नहीं निकालना चाहते, क्योंकि एक चैरियट का कार्ड हमारे पास आया है। ये चैरियट का कार्ड बहुत आसान नहीं होता एक्चुअली, जो एनर्जी जिस पार्टनर में एनर्जी ऐसी आती है, यानी कि टॉरस आप में चैरियट की एनर्जी आई है, तो बहुत ज़्यादा आपकी जो रिलेशनशिप है, या तो मैरिड हैं आप या फिर अनमैरिड जो भी देख रहे हैं, आपकी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, कहीं ना कहीं आपको बहुत से लोगों से डील करना पड़ता है, यानी कि बहुत झगड़े फसाद हैं, आपको लगता है कि इसको चैरियट की पोजीशन यानी कि एक अपनी रिलेशनशिप को विक्ट्री के मोड़ पे लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ये बहुत आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके लव पार्टनर जो भी हैं उनमें बहुत ज़्यादा आप में उनमें कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, ऊंच नीच का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और कहीं ना कहीं आप चैरियट की पोजीशन में आते नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि जो भी स्ट्रगल है, जो भी आपके जो फसाद हैं उनको दूर करके आप एक विक्ट्री के रूप में आगे आएंगे, एक वॉरियर की तरह जीत के योद्धा बन के आगे आएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी लेकिन आप ओवरकम कर लेंगे। लास्ट कार्ड देखते हैं गाइस, 10 डेज लास्ट कैसे रहेंगे अप्रैल माह में, लव लाइफ में बताइए कैसे रहेंगे। आगे विक्ट्री का कार्ड आ गया गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, वाओ टॉरस आपकी तो चल पड़ी, वाह सन गाइस क्या बात है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन देखिए आप अगर
लास्ट 10 डेज में देखें तो आप, मुझे लगता है कि जो बात आपने सोची अपने पार्टनर के लिए उसको पाते नजर आ रहे हैं। जो आशाएं इस रिलेशनशिप से थी, जो भी आपका लव पार्टनर है या आप मैरिड हैं तो भी, जो आशाएं आपने रिलेशनशिप से लगाई थी वो पूरी होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप उनको स्टार की तरह देखते हैं, यानी कि आपकी जो सनलाइट है वो आपके पार्टनर है। कहीं ना कहीं आप एक उनको बहुत हाई देखते हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। ये शादी का कार्ड भी होता है गाइस, बैंड बाजा बारात, सॉरी, वो वाला कार्ड होता है। तो आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ ऐसा साथ कमिटमेंट देंगे, उनको लास्ट 10 डेज की एनर्जी है। अगर आप मैरिड अनमैरिड हैं तो उनको कमिटमेंट देना चाहेंगे। शादी तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी और जो कन्फ्यूजन आपको क्लियरिटी नहीं थी उनके बारे में जरूर मिलेगी। आप उनके साथ हैप्पी फैमिली बनाने में बाल बच्चे सब इमेजिन करते हो और ये बात सच भी होगी क्योंकि आप कमिटमेंट के मूड में हैं। और एक स्टार कार्ड कहता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। तो गाइज, आपके लिए जो स्टार है आपका होने वाला है और कहीं ना कहीं सन की ऊर्जा आपकी होने वाली है, यानी कि आपके लाइफ में सनलाइट आने वाली है। तीनों बहुत ही बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं गाइज। और ओवरऑल आपकी देखिए एनर्जी क्या आ रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। तो जो भी स्ट्रगल है आपकी, जो भी, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बातों से क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको बातों की क्लियरिटी आ जाएगी और अपनी जो लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आप विक्ट्री की ओर पहुंचेंगे। तो डेफिनेटली आप विक्ट्री के रूप में, एक चैरियट का कार्ड भी आया था, एक वॉरियर के रूप में जीत के योद्धा बन के सामने आएंगे और लव लाइफ को विन करेंगे। गाइज, ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग थी आपकी। कुछ भी पसंद आए आपको लाइक करें बिना मजा आएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।